Well, I'm joined on this broadcast by Kripal Parmar, who's Rebel BJP candidate. Prime Minister Modi had in fact called him, asking him to stay in the party ahead of Himachal Pradesh elections. But he still left BJP. In fact, he went on to blame BJP President JP Nadda, his former classmate in school, for his revolt, accusing him of insulting him for 15 years, in his words. Let's quickly connect to Kripal Parmarji. Mr. Parmar, आपने अभी आपके फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप नंबर 3 पे हैं अकॉर्डिंग टू अर्ली लीड्स और बीजेपी के राकेश पठानिया जी इज लीडिंग इन अ क्लोज रेस विद कांग्रेस कैंडिडेट भवानी सिंह पठानिया. तो आपकी ये जो डिसीशन थी इसको लेके अभी तक आपके आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था कि पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश में पार्टी की हालत बद से बदतर हुई है और हिमाचल प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का होम स्टेट है और जहां पर उनको फ्री हैंड दिया गया था और जिस तरीके से यहां पर पार्टी के काम धाम को सेट किया गया और स्पेशली तब जब पिछले बाई इलेक्शन में 4-0 का रिजल्ट आया तो और मुख्यमंत्री के होम सीट भी हम बड़े भारी मार्जिन से हार गए. कहने को तो हम 7,000 से हारे थे लेकिन 19 में वो सीट हम 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे. इसलिए यहाँ पर सीधी सीधी नड्डा जी की दखलंदाजी थी और जिस तरीके से सीनियर लोगों को पार्टी में जलील किया जा रहा था तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी में हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुई और उसका कारण यह था कि पार्टी का जो क्रियाकलाप था, पार्टी का जो चाल चलन था वो ठीक नहीं था. मुख्यमंत्री जी अपने बहुत से कामों में फेल रहे हैं. कहने को तो हम ये कहते रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं लेकिन हिमाचल का जो इंजन था वो बिल्कुल फेल था. मैं नड्डा जी से यही कहता रहा कि यहाँ पर इंजन फेल है और आप डब्बे बदल रहे हो और यही कारण हुआ कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी बगावत हुई और उसका खमियाजा जो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा. परमार जी, आपकी एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी जो आपने कहा 30 अक्टूबर को आपको प्रधानमंत्री ने फोन करके कहा था कि आप बीजेपी को ना छोड़ें. तो पर काफी क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि वो वीडियो शायद फेक है या प्रधानमंत्री ने शायद आपको कॉल नहीं करा है. इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने उस दिन कहा था कि हमारे विड्रॉल का समय वो 29 तारीख था 3 बजे तक और मुझे फोन जो 30 तारीख को आया था. मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा था कि अगर आप एक दिन पहले कृपाल जी, सॉरी, एक टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई थी. आप प्लीज़ उस जवाब को वापस दें कि जब प्रधानमंत्री का फ़ोन आया था आपको और उसकी जो वीडियो वायरल हुई है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और लेकिन काफ़ी क्रिटिक्स ने बोला है कि वो शायद एक फेक वीडियो है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं. नहीं, ऐसा है, वो फेक वीडियो नहीं था, वो किसी ने चोरी से बनाकर उसको वायरल किया था और बाद में जो प्रधानमंत्री जी की आवाज थी वो दूसरे फोन, जिस फोन से मेरे से बात हुई थी उस फोन से आवाज निकाल के उस पर डब किया गया था, यानी उसको टेम्पर किया गया था. लेकिन वो फोन मुझे आया था लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि आज देर हो चुकी है क्योंकि विड्रॉल का समय जो था 29 तारीख तक था और जिस तरीके से 5 साल में मुझे लगातार पार्टी में जलील किया जा रहा था प्रधान अपने आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, संगठन मंत्री द्वारा, और ये बातें मैं लगातार हाईकमांड से करता रहा हूं. जब मेरा कोई रिहर्सल नहीं हुआ और विड्रॉल का समय भी निकल गया तो मेरे पास कोई चारा नहीं था चुनाव लड़ने के अलावा. जी कृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस ब्रॉडकास्ट पे. बहुत बहुत शुक्रिया.